मालती चौहान के मामले से सभी लोग परिचित होंगे। फिलहाल अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मालती चौहान के घर पे। आखिर काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, मालती चौहान का जो पीएम रिपोर्ट है उसका खुलासा नहीं हुआ है। चैनलों पर ऐसा दिखाई देता है कि मालती का रिपोर्ट आ गया है, विष्णु गिरफ्तार है, विष्णु को फांसी होगी, तमाम ऐसे प्रकरण सामने आते रहते हैं। फिलहाल भी सच्चाई क्या है वो सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ के तमाम ऐसे जो यूट्यूबर हैं, तमाम जो लोग हैं, मालती चौहान के घर पर ना आए हैं। फिलहाल ये जो हमारे साथ हैं ये मैडम, ये मुंबई से चलकर आई हैं मालती चौहान के 13वीं में। अब इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है। ये बताइए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा पूरा नाम बताऊं चैनल का? बेशक बताइए। सितारा की जिंदगी 786 और मैं बम्बई से चल के आए हैं। मुंबई से चल के आई हैं? मुंबई से चल के आने में मतलब क्या, वीडियो बनाने के लिए आई हैं या उनसे मिलने के लिए आई हैं या श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई? नहीं, हम आए हैं युवराज से मिलने के लिए। युवराज से मिलने जी? युवराज से मिलने के लिए आए हैं। 1.5 साल का मासूम बच्चा है, आज उसकी माँ नहीं है, आज उसको माँ पिता नहीं है, उसका देख रेख करने वाले सिर्फ उसके कहते हैं रिश्तेदार हैं, उसके मामा नाना तमाम ऐसे लोग हैं जो देखभाल कर रहे हैं। बहुत पहले क्या आप कभी मिली थी युवराज से? जी नहीं सर। मालती से? नहीं सर। विष्णु से? नहीं, कोई से नहीं। किसी से नहीं मिली थी? नहीं। आप चैनलों पर देखा करती थी? जी, चैनल पे उनको देखते थे बस। तीनों एक मशहूर यूट्यूबर थी मालती चौहान। बहुत फेमस थी जी। अच्छा वीडियो बनाए या बुरा बनाए पर अपने परिवार के लिए अच्छा करती थी और मशहूर थी। बहुत मशहूर थी और उनको यहाँ जो आता था उनको आगे भी बढ़ाती थी वो, और उनको जैसे सभी लोग बहुत फेमस भी हो गए। इस प्रकरण को कब से आपको पता है कि मालती चौहान का प्रकरण चल रहा है, कब से पता है आपको? एक डेढ़ महीने से। हाँ, 1.5 महीने से उनका वीडियो। जब से इनका शादी का खुलासा हुआ है कि उनके शादी अर्जुन वर्मा से हुई, तब से ये मामला चल रहा है। और शायद तब से आपको पता है या नहीं? जी, हम सब वीडियो देखते थे। क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा मालती चौहान के साथ हुआ था, शादी विवाह का कुछ खेल? अभी तो सभी लोग बता रहे थे कि वो सूट हो रहा था। अभी इतना पता नहीं कि वो हकीकत था कि सूट हो रहा था, ये नहीं पता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सूट हो रहा था। सूट होते होते एक बिटिया मालती चौहान की ज़िंदगी चली जाती है इस दुनिया से, उसका परिवार उजड़ जाता है, उसका बच्चा अनाथ हो जाता है बिन माँ बाप का। आज 1.5 साल का युवराज अपनी माँ के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, पर ना उसकी माँ दिखाई दे रही है ना उसका पिता दिखाई दे रहा है। तमाम लोग आ रहे हैं पर वही मालती चौहान नहीं है, सिर्फ उसकी तस्वीर है। तस्वीर भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, कलेजा फट जाएगा, रोने पर मजबूर हो जाएंगे। तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो वीडियो बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, चंद व्यू के लिए आए हैं। शायद यही मामला था विष्णु और युवराज मालती चौहान का, सिर्फ पैसे के लिए, व्यू के लिए ये तमाम खेल रचा गया था जिसमें मालती चौहान की दुनिया उजड़ गई, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, दुनिया से अलविदा कह दी। क्या सच्चाई है ये? जी सच्चाई तो है इसमें। मालती अब इस दुनिया में नहीं है, उसको क्या माँ, युवराज को माँ मिल सकता है दोबारा? नहीं ना मिलेगा। माँ है तो सब है, माँ नहीं है तो कोई नहीं है। बस माँ। युवराज से आपकी मुलाकात हुई? जी अभी। आपने गोद में लिया उसको? जी जी अभी। उसको खिलाई? जी जी अभी। कैसा आपको महसूस हुआ, दिल आपका रोया या नहीं रोया? अंदर से भी दिल कलप जाता है और क्या बताए, कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा भी 3 बच्चा है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बच्चों के साथ साथ अब युवराज को भी गोद ले लें? क्यों नहीं ले सकते, जरूर ले लेंगे। दिल रो रहा है। मालती चौहान आज यहाँ पे तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं पर मालती चौहान आज युवराज के सामने सबरा दुनिया दिखाई दे रहा है, एक मालती चौहान उनको सामने नहीं दिखाई दे। कैसा वो बच्चा महसूस करता होगा आप लोग सोच सकते हैं। वही राधा राज हैं और तमाम ऐसे सिंगर कहते हैं यूट्यूबर हैं जो आए दिन वहाँ पे आते हैं और जो मीडिया वाले हैं तमाम लोगों से आईडी मांगते हैं और कहते हैं युवराज के लिए कुछ पैसे, कुछ मदद कर दिया जाए। पैसे से उसका संकट या उसका कष्ट दूर हो जाएगा ये नहीं बता सकते भाई। ये देख सकते हैं, ये बात करते करते कहीं ना कहीं मालती चौहान युवराज को याद करते हुए ये रो रही हैं, इनकी आंखों में आंसू छलक रहा है, ये रो रही हैं सिर्फ एक बच्चे के लिए और ये भी कह रही हैं कि हो सके तो मैं युवराज को गोद ले लूँगी। पर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसको एक माँ मिल जाए तो उसकी लाइफ समर जाएगी। युवराज की लाइफ तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कहते हैं एक बेटा है, मासूम है, आज उसे कुछ पता नहीं। शांति उनका मौसी है
तो मौसी में या माँ में कोई फर्क नहीं है? फर्क नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं उन मौसी हैं, वो भी उनका भी बच्चा होगा, उनके भी परिवार होंगे, क्या उसको अपनाएंगे? हाँ अपनाएंगे, वो जरूर अपनाएंगे, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं, शांति बहुत बच्चे को कदर भी करती है, और बच्चे को इतना ख्याल लगती है शांति कि ये नहीं बोलेंगे कि वो शांति को हम लोग कितना दुआ करें फिर भी कम है। शांति बहुत अच्छी लेडीज है। आप लोग यहाँ जब से आए हुए हैं वीडियो वीडियो कुछ बनाए हैं कर? बनाए हैं सर, झूठ हम नहीं बोलेंगे, बनाए हैं जी, बनाए। युवराज को भी गोद में लेके कोई वीडियो बनाई है? हाँ, अभी होटल पे हम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे तो वहाँ पे युवराज के लेकर गोद में बनाए थे वीडियो जी। बाकी युवराज के लिए आप लोगों ने क्या मदद किया? हम मदद नहीं किए, नहीं मदद नहीं, जो हमसे युवराज के लिए हम बस ये वीडियो में नहीं बताएंगे हम। मतलब आपने कुछ किया है पर वीडियो में खुलासा नहीं होगा। चलिए, एक बच्चा है, आप कहीं ना कहीं जैसा मेरा तीनों बच्चा है वैसा युवराज भी मेरा बच्चा है जी, वैसा युवराज भी आपका जी, बच्चा जी, है। जी। विष्णु के लिए क्या कहिएगा कि विष्णु ने ही मारा है या कोई और? ये तो अभी सच्चाई नहीं मालूम है, अब देखिए आगे क्या होगा, मगर ये बोलेंगे कातिल जितना हो इसमें शामिल वो सबको सजा होना चाहिए, सबको सजा होना जी चाहिए। कहते हैं न्यायप्रिय सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आए दिन गरजता रहता है, तो क्या ऐसे जो तमाम लोग हैं जो मालती चौहान के हत्यारे कह सकते हैं उनको, क्या उनके ऊपर भी बाबा जी का हंटर चलेगा? चलेगा ना, जिस दिन सच्चाई मालूम पड़ जाएगा उस दिन तो चलाएंगे बुलडोजर, बाबा अपना बुलडोजर बेशक चलाएंगे जी। तो अभी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट मुंबई चली जाएंगी या? नहीं, अभी डायरेक्ट बम्बई नहीं जाएंगे, अपने बिहार के लिए जाएंगे, बिहार के लिए जाएंगे। बिहार से 15 तारीख को 16 या 15 को हम लोग चले जाएंगे फिर वापस। तो स्पेशल आप अपने घर के लिए आई थी या मालती चौहान? नहीं नहीं नहीं, स्पेशल अपने घर के लिए नहीं, यहाँ के लिए आए थे, मालती चौहान के घर के लिए, और उनका पूरा परिवार से मिलने के लिए, खास करके कोई मिले या ना मिले उससे हमको कोई बस नहीं है, युवराज से मिलने के लिए आए थे। युवराज से मिलने जी, युवराज को हम वीडियो देखते थे रोज, तो हमको ऐसा दिन नहीं कि हमको आंख से आंसू नहीं गिरता था, हमको बहुत आंसू गिरता था, अंदर से कलेजा टूट जाता था, तड़प होती थी। युवराज को एक लवा सुनते थे ना, अम्मा अम्मा, उस समय तो आप मेरा लड़का से भी पूछ सकते हैं, हम बहुत रोते थे कि कैसा ऊपर वाले किस्मत बनाए बस। चलिए, फिलहाल अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये मुंबई से चल के आई हैं सिर्फ युवराज के लिए। 1.5 साल का मासूम बच्चा है, रो रहा है अपनी माँ के लिए, तड़प रहा है, पर आज उसकी माँ नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पे तमाम कुछ और लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, आखिर सभी लोग आए हैं किस कारण से आए हैं, वीडियो बनाने के लिए या श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए या सिर्फ 1.5 साल का जो मासूम बच्चा है युवराज से मिलने के लिए। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नहीं है। मालती चौहान के श्रद्धांजलि में आई हैं आप? हाँ। वीडियो बनाने के लिए आए हैं कि आप सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? जो लोग जो सब करने आए हैं भी हम ही करने आए हैं। अच्छा अच्छा, इसका जवाब बस। रुकिए रुकिए, भाग क्यों रही हैं, फिर आइए। चलिए, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं उनसे जब सवाल किए तो कहीं ना कहीं वो भागने का प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल अभी मालती चौहान के घर पे चलेंगे, वहाँ तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और वीडियो दिखाने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।